उज्जैन जिले की महितपुर में नगर पालिका चुनाव में भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशेष रूप से रणनीति बनाई गई है। ये बात प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं विधायक बहादुर सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। महितपुर शहर में नगर पालिका चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर 18 वार्डों में 9 भाजपा, 8 कांग्रेस और 1 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीते हैं। ऐसे में चुनाव में कांटे की टक्कर बरकरार है। दोनों ही दल को क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपने पार्षदों को धार्मिक यात्रा पर भेज दिया है। विधायक बहादुर सिंह चौहान से जब मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि निर्दलीय पार्षद भाजपा को सहयोग देंगे, जिसके कारण भाजपा 10 वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ऐसे में भाजपा का शहर में 35 साल बाद बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? देखिएगा, 18 पार्षद चुन के आए हैं और जब चुनाव हुआ तो हमको 9 पार्षद भेजे हुए हैं और 8 कांग्रेस के जो है लोग आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो निर्दलीय पार्षद कर हैं वो हमें सहयोग करके वोट बनाने में बड़ी भूमिका रहेगी। इस तरह हमारे 10 हो जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत महाकाल बाबा से प्रार्थना करता हूँ, दुर्गेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि 10 तारीख को कमल खिले, ऐसी उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। वहीं कांग्रेस भी निर्दलीय पार्षद को तोड़कर बराबरी की टक्कर में आना चाहती है। अब देखना है कि 10 अगस्त को चुनाव में किस दल का नगर पालिका अध्यक्ष बनता है। महितपुर से अर्जुन शर्मा की रिपोर्ट।